आइए आज हम बनाते हैं संध्या एंड रसोई में वेज कोरमा। ये वेजिटेबल से तैयार किया है मैंने, सारी वेजिटेबल मिक्स करके बनाया है और हम चलकर देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करेंगे। बनाने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या एंड रसोई में। आइए आज हम बनाते हैं वेज कोरमा। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है, इसको आप कभी भी बना के खा सकते हैं। जब घर में गेस्ट आए तब भी आप बना सकते हैं, डिनर में, लंच में, आप कभी भी इसको बना सकते हैं। इसके लिए जो मैंने सब्जियां ली हुई हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिया है गोभी, ये मटर लिया है मैंने, टमाटर, शिमला मिर्च और ये बीन्स, और ये आलू लिए हुए हैं मैंने, और ये सारे मसाले हैं, और ये मैंने लिए हैं सूखे मसाले। इनको हम थोड़ा हल्का सा भूनेंगे। गैस मैंने ऑन कर लिया है, ये पैन गरम कर लिया है। इसमें ये धनिया के दाने हैं, ये लाल मिर्ची है, इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्ची है। इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये मसाले रोस्ट हो गए हैं, ये मैं इलायची की छिक्कल निकाल देती हूँ। हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और इसमें हम सारी सब्जियों को बॉईल करेंगे। हम इसमें डाल देंगे गोभी, बीन्स, आलू। आलू को हमने पानी में रखा हुआ था। और इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, मटर, ये सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं तेल में, मैंने इनको बॉईल किया है। इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसमें हम डालेंगे एक पिंच हल्दी और इनको हम बॉईल होने देते हैं 5 मिनट के लिए। सब्जियां हमारी बॉईल हो रही हैं, तब तक हम मसालों को पीस लेते हैं। ये मसाले जो हमने भुने थे ये ठंडे हो गए हैं, अब इनको हम पीस लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे मीठी नीम के पत्ते, अब हम इनको पीसते हैं। ये सूखे मसाले हमने पीस लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची और ये अदरक और इसमें डालेंगे हम काजू जो मैंने 1 घंटे पहले गला कर रखे थे, 8-10 काजू के पीस हैं, और ये है किसा हुआ ताज़ा हरा नारियल, और ये हमने 1/2 घंटे पहले ये गला कर रखा था हमने खसखस, ये भी हम डाल देते हैं। अब हम इनको पीस लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी डालकर पीस लेते हैं। ये मसाले हमने पीस लिए हैं, अब हम इसमें टमाटर डालकर पीसेंगे। मसाला अच्छा पेस्ट हो गया है हमारा बारीक। अब हम सब्जियां देख लेते हैं, बॉईल हो गई हैं सब्जियां भी हमारी, बॉईल हो चुकी हैं। पैन हमारा गरम हो गया है, इसमें हम डाल लेंगे 4 चम्मच हमने तेल डाल लिया है, ये तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें हम जीरा डाल लेते हैं, अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची और ये मसाला जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया है। इसको हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा हुआ है। मसाला लगातार चलाते हुए हम भून रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक। हमने 1/2 चम्मच नमक सब्जियों में डाला था बॉईल करते समय। अब हम इसको जब तक भूनेंगे तब तक कि इसका तेल सेपरेट ना हो जाए।
आप देख पा रहे हैं मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें सब्जी ऐड कर देते हैं। सब्जियों में हमने जो पानी डाला था हम वो भी इसी में ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे, सारा हम पानी सहित इसमें डाल देंगे और हम इनको मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी काफ़ी थिक है, इसमें हम एक चौथाई कप पानी डाल देंगे। हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। तैयार है हमारा वेज कोरमा। सर्व करने के लिए आइए हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बनी है वेज कोरमा की। देखिए आप, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप ऐसे ही बनाइए और मुझे बताइए कि आपकी वेज कोरमा की सब्जी कैसी बनी। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ कैसे भी आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए आप ऐसे ही बनाइए और मुझे बताइए कि आपकी कैसी बनी ये सब्जी। और आप पूरे वीडियो में मेरे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और अगले ऐसे ही किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, चलते हैं, बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।